हेलो दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर फिर से हाजिर हूँ साइंस की सेकंड क्लास लेकर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भी, साइंस एक्चुअली में होती क्या है, उसके क्या क्या टॉपिक होते हैं उसमें, जैसे बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स है, बायो के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था और क्या क्या होता है उसके बारे में, समझ गए। आज हम जो नेक्स्ट क्लास है वो करेंगे, जो पिछली क्लास में थोड़ी जो आवाज का इशू था वो कम था, इसलिए उसके लिए माफी चाहते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम थोड़ी आप जो भी कमी है हमें कमेंट में बताते रहिएगा, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने की अच्छे से कोशिश करेंगे। आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम क्लास टू लेके आए हैं, उस क्लास टू में हम क्या पढ़ाएंगे, जो जीव है ना उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, एक्चुअली में हमें कैसे पता चलेगा कि वो जीव एक्चुअली में जिंदा है या मर चुका है, समझ के बात ना, तो उस चीज को लेकर हम आए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ, सजीवों की विशेषताएं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सजीवों की ये बेस है, अगर आपका साइंस में बेस क्लियर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, समझ के बात ना, आपको समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट चैप्टर में हुआ क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे सजीवों की विशेषता, ये बेस है जिसमें सबसे पहले हम सजीवों की क्या विशेषता होती है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, सिंपल सी बात, सेल से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेल या कोशिका, ये लाइन बार बार पढ़ा दी जाती है, यह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, समझ की बात ना। तो ये लाइन बार बार बता दी, अरे एक ये बात भी होती है कि बार बार यही क्वेश्चन हर जो सेंटर है या जो भी कोचिंग सेंटर है उसमें पढ़ा दिया जाता है, सेल भी होती है, इसकी खोज इसने की है। अब ये कोई पूछता ही नहीं है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत आसान हो चुका है, हर बंदे को यह पता चल चुका है कि ये बार बार ये होता है, समझ के बात में। तो आज हम पढ़ेंगे सेल जो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके लिए यह लाइन हमेशा याद रखना, यह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये बार बार पूछा जाता है, क्यों पूछे, कैसे पूछा जाएगा भाई, निम्न में से बताइए जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। या सेल को निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट दी गई है, या कोशिका को निम्न में से कौन सा जो कथन है वह सेल के लिए कोशिका के लिए सत्य है, समझ की बात ना, ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब उसके बाद क्या आता है, कोशिका संगठन सेल ऑर्गेनाइजेशन, समझ की बात ना, क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं कोशिका संगठन। अब एक सेल से मिलकर एक जीव का निर्माण कैसे होता है वो हम जानने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या होती है, एक कोशिका होती है, समझिए बात ना, उस कोशिका वह कोशिका जुड़ती जाएंगी जिससे क्या बनेगा, एक ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, ग्रुप ऑफ सेल निम्न में से कौन सा है, कोशिकाओं का समूह किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ऊतक को, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। आगे हम पढ़ेंगे, इससे आगे क्या हुआ, जब ये ऊतक जुड़ के आपस में बहुत सारे तो किसका निर्माण हुआ, ऑर्गन, एक अंग का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जो है ऊतकों का या अंगों, सॉरी ऊतकों का समूह है, उसको क्या बोलेंगे, अंग बोलेंगे, समझ की बात ना। अब इस अंग से क्या बना है, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जैसे कि हमारा हैंड है, समझ की बात ना, ये वर्किंग करता है, ये क्या है, एक अंग तंत्र है। अब यह ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या करता है, प्रॉपर वर्क इन वन सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर अपना काम अच्छे से करना ही क्या कहलाता है, एक अंग तंत्र कहलाता है। इस अंग तंत्र के बाद बहुत सारे अंग तंत्र जुड़ के उससे क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण जिसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म वर्ड है वो सजीवों के लिए यूज किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बॉडी भी तो लिख सकते थे। अब बॉडी हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बॉडी क्या होती है भाई, डेड भी हो सकती है या लाइव भी हो सकती है, समझ के बात ना, तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म किसके लिए लिखा जाता है, सजीव चीजों के लिए लिखा जाता है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्चुअली में भाई, जो कोशिका है वो कितने टाइप की होती है, तो कोशिका कितने टाइप की होती है, जो तीसरी हेडलाइन है वो क्या है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता की, भाई कोशिका के एक्चुअली में कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं कोशिका के, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। मोस्ट
इंपॉर्टेंट है याद रखना, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हमें क्या पढ़ाया जाता है दोनों के बारे में, भाई इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है, समझ के बात है, बस ये डिफरेंस बता दिया जाता है, उसके बारे में आगे कुछ नहीं बताते। तो ये एक्चुअली में इनका मतलब क्या है दोनों का, वो चीज देखेंगे। ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, इस प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव, और इस प्रिमिटिव को बोलेंगे प्राचीन, ठीक है। और इस कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसमें केंद्रक क्या है, प्राचीन, मतलब बहुत पुराना है, जो वर्किंग में नहीं है, समझ के बात ना, इसलिए बोल दिया जाता है इसमें केंद्रक नहीं है। तो ये है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यूकैरियोटिक में क्या है, इस यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, समझ गए, सत्य। और कैरियोटिक का मतलब हमें पता ही है, केंद्रक या न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस, मतलब एक केंद्रक उपस्थित है। तो ये डिफरेंस मेन है, तो इसीलिए बताया गया प्रोकैरियोटिक का एक्चुअली में मतलब क्या है, एक ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राचीन हो, या फिर केंद्रक अब्सेंट हो, या फिर केंद्रक बहुत पुराना हो, या फिर जो केंद्रक है उसकी जो केंद्रक झिल्ली है वो टूटी हुई टूटी फूटी हो। अब यहाँ एक वर्ड बताया केंद्रक झिल्ली, इसका अफेक्ट क्या पड़ता है केंद्रक में वो देखेंगे। यहाँ देखो ये क्या है, एक कोशिका है जिसमें हमने बताया है केंद्रक, उसकी केंद्रक झिल्ली के बारे में। अब एक बात देखो, ये केंद्रक अंदर क्या है, केंद्रक है इसके अंदर। अब इस केंद्रक झिल्ली इसमें क्या असर डालेगी, अगर यह टूटी फूटी हो तो इसमें जो जीव द्रव्य भरा हुआ है केंद्रक उससे जाकर मिल जाएगा, जिससे पता नहीं चलेगा कौन सा केंद्रक है कौन सा नहीं है, समझ गए बात ना। तो इसलिए बोला गया रुडिमेंटरी फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, समझ गए भाई, केंद्रक झिल्ली की अवस्था टूटी फूटी होना ये मोस्ट अफेक्टफुल है किस पर, एक प्रोकैरियोटिक सेल पर। अब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक, इसमें क्या होता है, केंद्र की उपस्थिति होती है, जिसके सिर्फ हम एग्जांपल या मतलब कि एक सेल का निर्माण प्रॉपरली हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, केंद्र को होता है, केंद्र क्या, केंद्र को कौन बनाती है, केंद्रक झिल्ली है जो, समझ बात ना। अब ये यूकैरियोटिक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली है वो जो प्रॉपर वर्किंग होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर इन वर्किंग प्रोसेस में होती है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, इसमें क्या एग्जांपल दिए गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके एग्जांपल हमेशा ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो है इसके एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, समझ के बात ना, ये क्या है, नील हरित शैवाल। अब इस नील हरित शैवाल का मतलब क्या है, देसी भाषा में क्या बोलेंगे, काई, जिसको हम बोलते हैं काई, समझ के बात ना। अब यहाँ जो इसमें क्या है, एल्गल सेल शैवाल कोशिकाएं। दूसरा एग्जाम्पल है कवक कोशिका, कवक क्या होती है, कवक जो एक जिसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे कवक को, एक हमने ब्रेड देखा, ब्रेड, ब्रेड के ऊपर जो फफूंदी लग जाती है उसी को क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, जो उस पर एक ग्रीन सेल जिसे हम बोलते हैं ब्रेड खराब हो चुका है। अब आते हैं जो थर्ड है वो है प्लांट सेल, पादप कोशिका, और लास्ट एग्जांपल क्या है, जंतु कोशिका। ये हमने एक थर्ड करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, किसके बारे में, सजीव चीजों के बारे में, मतलब की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह हम क्लासे और इस यूट्यूब जो चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल है इस पे रहेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। हमारे जो जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें जो पिछली क्लास है उसका लिंक दे दिया जाएगा, और आगे से जो भी कमी हो हमारे कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।